सो गाइज, आप लोगों को सभी को पता चल गया होगा कि मैं बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा मन उब गया था, अनफॉर्चुनेटली आई हैड नो एक्साइटमेंट। अभी भी मेरा एक्साइटमेंट है नहीं, क्योंकि मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ व्यूज कम होते जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। और आई डिसाइडेड कि मैं और वीडियो अपलोड अभी नहीं करूंगा। उस दिन रहने के बाद मैं जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। गाइज व्हाट्सअप, हाई माय सेल्फ डी जिंकिनाथ एंड यू आर वॉचिंग द एडवेंचर क्लब गुवाहाटी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और राइट हैंड साइड में जो बेल का आइकॉन है इसको भी प्रेस करके थोड़ा पुण्य कमा लीजिए और हमें भी पुण्य कमाने का मौका जरूर दीजिए। तथास्तु। वन सेकंड। आज एक्चुअली मैं एक जगह आया था, वो जगह आने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इसके ऊपर जरूर क्यों ना एक वीडियो अपलोड किया जाए ताकि आप सभी को मालूम चले और सरकार तक ये वीडियो पहुंच जाए, वही मैं आप सभी के थ्रू गुजारिश करना चाहता हूं। मैं गुवाहाटी से बोल रहा हूं और गुवाहाटी आड़गांव में मैं आया कुछ काम के लिए। आने के बाद मैं छत्रीबारी आया। छत्रीबारी में आके भील पार करके एक जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा। और यहाँ पे आके जो मैं माहौल देखा, जो एनवायरमेंट देखा, वो देखने के बाद मुझे बहुत ही खराब लगा कि गुवाहाटी सिटी जो मेट्रो सिटी पड़ रहा है अभी भी सिटी के अंदर बढ़िया जगह है मगर डैमेज होते जा रहा है। इसके वजह से गुवाहाटी डेवलप नहीं हो रहा है। डेवलप होने से भी अगर आप लोग मिलजुल के सरकार के थ्रू अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो ये जगह और भी खतरनाक और भी खराब होते जाएगा। सो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो जो है मैं दिखाने की जरूर कोशिश कर रहा हूँ। काइंडली ये वीडियो जो है आपको इतना शेयर करना है कि सरकार तक पहुँच जाए। This is one of the best lake of Guwahati city. It's covering 25 acres area. The name of the lake is Borsola Pil, which is located in between Chhatribari and Rihabari. एक्चुअली ये है कि बिलपार जो छत्रीबारी में स्थित है, यहाँ पे एक बिल है और जो बिल में आप सभी सैर कर सकते हैं, सुबह शाम दोनों टाइम मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक कर सकते हैं। यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं, यहाँ पे आप फिशिंग कर सकते हैं, और यहाँ पे न्यू बर्ड्स है और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ बर्ड्स यहाँ पे आते रहते हैं। मैं आप लोगों को जरूर सब कुछ डिटेल्स दिखाऊंगा। तो आप सभी के थ्रू मैं सरकार को यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग इसके ऊपर अच्छी तरह से काम करके बहुत ही बढ़िया से एक प्रोजेक्ट बना के ये अगर बहुत सुंदर करेंगे तो डेफिनेटली ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस जरूर बनेगा। थैंक यू। Borsola Bil is one of the notable wetland of Guwahati city. So please make Borsola neat and clean. এটো কি বনাইছে ভাই? গোবর গ্যাস। কোনে বনাইছে? মালিক বেলেক। और ये जो आपको बड़ी बड़ी टैंके दिख रही है वो है गोबर गैस का प्लांट। मैं सोचा यहाँ पे कुछ अजीब सा बन रही है, क्या है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और ये जो लेक का पानी है, ये पानी भरलू नदी होके ब्रह्मपुत्र में लीन हो जाती है। अमेजिंग। और ये है बिल जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। ये है बिल पार। मैं अभी बिल पार में हूँ। उस पार भी बिल पार बोलते हैं, इस पार भी बिल पार ही बोलते हैं। शायद यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन चुका था, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ काम करके स्थगित कर दिया, स्टॉप कर दिया। और आप लोग देख ही रहे हैं कि यहाँ पे जो दीवार है, जो वॉल है, वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। और आगे में भी बहुत लंबा जगह है, मैं आप लोगों को अभी दिखा नहीं पाऊंगा कितना दूर तक जा सकते हैं आप लोग। और यहाँ पे भी बहुत दूर तक है, आप लोग देख लीजिए। गुवाहाटी सिटी के अंदर इतना बड़ा बिल, खाली जगह जो अंडर डेवलप है, ये ताज्जुब की बात है। और ये अगर अच्छी तरह से अगर बनाएगा ना, डेफिनेटली मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये एक बहुत ही बढ़िया टूरिस्ट प्लेस जरूर बनेगी। सो गाइस प्लीज, मैं गवर्नमेंट को फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर ज्यादा ध्यान दे, और जितना टूरिस्ट प्लेस गुवाहाटी में बनेगा, असम में बनेगा, उतना ही आदमी यहाँ पे आएंगे, सरकार की रेवेन्यू भी बहुत ज्यादा आएंगे। सो काइंडली प्लीज डू समथिंग ओवर हियर। सरकार ने Borsola Bil के ऊपर काफी सारे काम किए, प्रोजेक्ट किए, मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक कोई भी काम कंप्लीट हुआ ही नहीं।
कुछ साल पहले सरकार द्वारा एक नाकाम कोशिश की थी ये जो बोरसोला बिल है वो साफ करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली ये भी काम स्टॉप हो गए। सब गलती तो सरकार को नहीं दे सकते हैं हम लोग, हमको भी ये लेक को साफ रखने की जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। अभी इतना ज्यादा स्मेल नहीं आ रही है, ठंडी के मौसम में शायद इतना स्मेल नहीं आता होगा। यहाँ पे आस पड़ोस में जितना भी आदमी रह रहे हैं, यहाँ पे फ्लैट बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, और यहाँ पे ये तो खाली प्लेस है, पता नहीं ये सरकारी है या फिर पर्सनल लैंड है, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ पे गोबर गैस का फैक्ट्री बन रही है, ये भी शायद मुझे पता नहीं है गवर्नमेंट के है या फिर प्राइवेट है। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे कितना सारा आदमी अभी भी ठहरा हुआ है। आप सोच सकते हैं यहाँ का जो बदबू आएगा तो पूरा एरिया में फैल जाएगा, चारों ओर देख लीजिए स्लम टाइप का दिख रहा है। मैं स्लम एरिया नहीं है, लोकल जो है यहाँ पे एक मीटिंग करके यही लोग डीसी को जाके सरकार को रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली शायद सरकार भी इन लोगों की बात सुनेगी और यहाँ पे जो है टूरिस्ट प्लेस घोषित किया जाएगा। एक्चुअली ये सब बातें सरकार को नहीं बोलने से ही बेहतर है, खुद करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुवाहाटी सिटी के अंदर इतनी अमेजिंग अमेजिंग जगहें हैं, अगर वो सारे डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही अच्छा सिटी बनेगी और यहाँ पे टूरिस्ट भी बहुत सारे आएंगे। प्लीज थिंक अबाउट इट। एक्चुअली आम आदमी के पब्लिक लोग भी बहुत खराब कर रहे हैं, यहाँ पे जो जितना जंगल है जितना कूड़ा है वो सब यहाँ पे नहीं फेंकना चाहिए। जितना आप लोग फेंकेंगे उतना बदबू मारेगा और जितना बदबू मारेगा आप लोगों का भी सांस लेने में प्रॉब्लम जरूर होगा। प्लीज आप लोग अपने आप को सुधारिए, अगर आप लोग यहाँ पे कुछ कूड़ा वूड़ा फेंकते हैं आज से बिल्कुल मत करिए, काइंडली रिक्वेस्ट करता हूँ। प्लीज सरकार हम लोगों की बात जरूर सुनेगी सर। उम्मीद करता हूँ वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बोलिए, अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर एनीथिंग यू कैन डू दैट। और प्लीज ये वीडियो जो है खास तौर से आप लोग शेयर करिए ताकि गवर्नमेंट तक चला जाए ये बात। प्लीज थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम, एंजॉय आवर होम।